अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट करें, विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिए एंड क्लीन MGR टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद कुछ प्रोसेस रहेगा, डिस्क क्लीनअप का विंडो ओपन होगा, कुछ थोड़ा टाइम लग प्रोसेस होने में। आपके लैपटॉप के हिसाब से, आपको प्रोसेसर कैसा है उस हिसाब से ये टाइम लेता है। अगर आपके लैपटॉप में ज़्यादा जंक है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये टेम्प्रेरी फाइल रहता है। देखिए हमारे में रिसाइकिल में 1.61 GB है, देखिए इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे आप पूरा ये सब टेम्प्रेरी फाइल है, ये सब डिलीट कर सकते हैं, देखिए टेम्प्रेरी फाइल ऑल डिलीट कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसाइकिल बिन को हमने सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने अपने फाइल मैनेजर में से कुछ डिलीट किया है, तो कुछ रिसाइकिल में हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट ऑल फाइल्स। टेंशन मत लीजिए, ये टेम्प्रेरी फाइल डिलीट कर देंगे, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और एक सेटिंग और है, देखिए विंडो आर प्रेस कीजिए और शिफ्ट एफ परसेंटेज एंड टैम्प परसेंटेज पे, फिर उसके बाद इंटर कीजिए। ये सबसे टेम्प्रेरी फाइल, और कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखिए और डिलीट कर दीजिए, देखिए देखिए और डिलीट कर दीजिए, कुछ प्रोसेस ले रहा है। थोड़ा एरर हो गया, शिफ्ट एंड डिलीट करिए, डिलीट विंडो आर प्रेस कीजिए, परसेंटेज टैम्प परसेंटेज इंटर कीजिए, और टेम्प्रेरी फाइल आ जाएगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट एंड डिलीट परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, परमानेंटली। टेंशन मत लीजिए, ये आपका कोई, ये बस टेम्प्रेरी फाइल्स है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं रहता है। जो डिलीट नहीं होगा तो स्किप कर दीजिए, ये सब ड्राइवर के अंदर रहता है। देखिए थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बस ये टेम्प्रेरी फाइल्स है। और देखिए विंडो आर एक और सेटिंग, टैम्प उसके बाद इंटर कीजिए, ये भी टेम्प्रेरी फाइल से, कंट्रोल ए और शिफ्ट एंड डिलीट, और थोड़ा बहुत टाइम लेता है ये सब, कंटिन्यू डिलीट। अब आपका हद से ज़्यादा फास्ट हो गया होगा, देखिए अभी हम फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, फटाक से ओपन, देखिए फटाफट ओपन हो रहा है ना, देखिए हमारा वो ओनली वन हार्ड डिस्क है। आप आराम से कोई भी चीज़ फटाफट आपका ओपन होगा। अगर हमें आपको जैसे VLC मीडिया ओपन करना है, फटाक से ओपन होगा, देखिए देखिए हो गया ना। इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हद तक बढ़ जाता है। रुकिए आपको मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप
कंट्रोल पैनल में जाइए, कोई आपका यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। ओके थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मिस्टर ग्रो टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, अगर और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें मैसेज कीजिए, कमेंट लाइक शेयर प्लीज़ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।